बिसम अल्लाम कैसे हैं आप मेदकथ खरीद से होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए आमीन और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि जो चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तो आज मैंने सोचा कि अपने इलाके का व्यू आप लोगों को थोड़ा दिखाओ क्यों रात को बहुत ही बारिश हुई है और बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा व्यू इधर का बना हुआ है और देखिए अल्लाह पाक के काम के मार्च में भी जनवरी वाला माहौल जो है ना मौसम फील हो रहा है और हम लोगों ने तो गर्म कपड़े रख लिए थे लेकिन अब फिर से दोबारा से निकाल लिए हैं कि अल्लाह ताला की वही है कि अल्लाह ताला के काम जो है ना उसके कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है और ना ही कोई ऐसा है जो कर सके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है और अब आते हैं वीडियो की तरफ तो एक थंबनेल देखा था मैंने और ऐसा उन्होंने थंबनेल बनाया था कि लोग देख के यही सोचें कि शायद इनके घर कोई खुशखबरी आ की है तो थंबनेल से पता है आपको मैं किसकी वीडियो पे रिएक्शन करने वाली हूँ और बिल्कुल आप लोगों ने के सही है, देखा है कि सन और जो जल है मैं इसको इस वजह से कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा वो जल रही है सोनिया रोगों से और वो बाज़ार गए हुए थे कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया था उन लोगों ने और वो जल कुकरी कह रही थी कि एक काम की वजह से हम गए थे और सोचा था कि बाजार से भी कुछ चीज़ ले लें क्योंकि यूट्यूब की इनकम आई है और ये माँ अपने बच्चों के लिए इसने चैनल बनाया था देखें और इसके बाद जी मैं बताती हूँ कि बात क्या थी और ये किस चीज़ को सेलिब्रेट करने गए थे क्योंकि आप लोगों को पता है हम मुसलमान हैं हम ये कहते हैं कि ये मशरक़ से सूरज निकलता है मगरब से कभी नहीं निकल सकता उस टाइम निकलेगा जब क्या मत आएगी और ऐसे ही महकमलक माँ नहीं बन सकती और जावेद शान बाप नहीं बन सकता ये नामुमकिन बातें हैं क्योंकि एक तो अल्लाह ताला के काम दूसरा साजदा सिस्टर को उन लोगों ने जलील किया तीसरा उन छोटे छोटे बच्चों को रुलाया इसने और अल्लाह पाक के उसके दुनिया में ये बातें जो है ना वो दे के जाएगा जो उसने किया है वो बोया है वही काट के जाएगा क्योंकि ऐसी माँ बिल्कुल कोई भी दुनिया में नहीं होगी जो ऐसे कारनामा करे और अब मैं कहती हूँ कि इन लोगों ने क्या प्लान बनाया था और क्यों किए थे इन लोगों ने अपने बागने की एनिवर्सरी मनाई थी आज वही डेट है जिस डेट को कल मतलब जो गुजर गया है वही डेट थी जिस दिन ये बागी थी इन लोगों का कब से प्लान था कि हम लोग एक हों हम कैसे हों ये बच्चों के होते हुए और अपने हस्बैंड के होते हुए बहुत ही इसने बार सोचा होगा लेकिन एंड में जाके इसकी आंखों में हावस की पट्टी बंधी गई है क्योंकि प्यार तो नहीं था इस इंसान से आथी वाला इतना बड़ा सारा इसका मुंह है इसका इतना बड़ा पेट है तो ये कोई इंसान कहलाने का अदार तो नहीं है ना ना ही कि किसी इंसान जैसे या मर्द की कैटेगरी में शामिल होता है बेरत कमीना इंसान और इन्होंने कल वही सेलिब्रेट किया है इन्होंने पता नहीं कितने प्लान बनाए हुए थे कितने मनसूबे इन लोगों ने बनाए हुए थे कि हम कब एक होंगे हम कब अपनी हवस पूरी करेंगे और फिर इन लोगों का प्लान जो है ना वो कामयाब हो गया था तो मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत ही रोना आता है इस मुजम्मल को देख के ख़ास कर मुजम्मल को देख के क्योंकि मैं पहले तो बात करना चाहती हूँ उन बहन भाइयों पे जो बहन भाई कहते हैं कि सोनिया अब शादी के बाद अपने माँ बाप के मतलब के मैके क्यों नहीं आती अपने भतीजे भतीजे का ख्याल नहीं रखती है या अपने माँ बाप को बिल्कुल भूल गई है तो मैं यहाँ पे आपकी बातों से इख्तलाफ़ करती हूँ कि कोई भी लड़की जब वो शादी होकर अपने ससुराल जाती है तो चाहे उसका ससुराल अपने सगे चाचा मामों या खाला का कोई भी रिश्ता हो वो ससुराल शादी के बाद रवायती ससुराल बन जाता है और यही दिन होते हैं कि एक लड़की को अपने ससुराल में कदम जमाने के लिए लेकिन जैसे आप लोग कहते हैं ना वो भूल गए अब सुनिए का फ़र्ज़ ख़त्म हो गया अब सोनिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलटी नहीं है कि वो अपने माँ बाप को देखे या अपने घर को देखे हाँ एज़ ए डॉटर अपनी वो माँ बाप की कफालत कर सकती है क्योंकि बेटे जो है वो चले जाते हैं रिजक रोजी के लिए बाहर चले जाते हैं वो अपने माँ बाप के लिए करते हैं और बेटी का भी वही फ़र्ज़ होता है अपने माँ बाप की केयर करना तो उसको सोनिया को बेहतर पता है अपने घर के हालात का हम लोग उनके साथ नहीं रहते हैं या उनके इलाके के नहीं हैं लेकिन उसको पता है कि हमारे घर के हालात क्या है और मैं यहाँ पे उसको ये बोलूँगी कि कभी भी अंधी ना होना तुम अपने मैके वालों की खबर तुम रखना उनके लिए करती रहना जो तुमने पहले किया था और ऐसे तुम्हारा चैनल भी ग्रो करेगा और तुम्हें लोग जो है ना सपोर्ट भी तुम्हारी करेंगे और फिर ये जो बातें होती हैं ना कि बच्चों का ख्याल रखने की एक माँ की बातें होती हैं मैं यहाँ पे एक बात आपको कहती चलूँ कि मेरी जो दादी अम्मी थी ना हमको अम्मी बोलते थे अल्लाह पाक उनको करवट कर वजाना रिसीव करे आमीन और जब हम बीमार हो जाते होते थे ना तो मेरी अम्मी जो थी ना वो बिल्कुल अपने हाथ में छोड़ के ना अला दसी चारपाई पर बैठ के रोना शुरू करती है मेरे बच्चों को क्या हो गया ये कब ठीक हो गए और मेरी दादी अम्मी बोलती थी कि तुम ऐसे कर रही हो रिएक्ट करती रही तो बच्चों को कौन देखेगा तो मैं कहती हूँ माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों की मामूली सी तकलीफ़ में भी तड़प जाती हैं और ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाएँ यहाँ पे मैं साबरा को ऐसे मुखातब होना चाहती हूँ और जहरी बात है वो हमारी वीडियो देखती है इस वजह से उसने बोला था कि तीन औरतें हमारे ए, मुझ पर ख़ास करके वो रिएक्शन करती हैं हमारी वीडियो पे मैं उसको ये बोलूँगी कि, कि जब तुम बाकी थी तुमने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे हैं तुम एक बार पीछे तो मुड़ के देख लेती तुम एक बार अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देख लेती कि मेरे बच्चों की क्या फीलिंग है तुम ये तो सोचती कि क्या मेरी बात मेरे बच्चों का ख्याल कोई रखेगा या नहीं रखेगा तुम जैसी बेगैरत कमीनी और कुत्ती औरत मेरे जिंदगी में नहीं देखी तुम के लिए जितना भी हम बोले ना वो कम है क्योंकि कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने मुफाद का सोचे और अपने बच्चों का ना सोचे अगर मैं उधर इलाके की होती काश काश मैं उधर की होती या मैं उधर जा सकती तो मैं तुम्हें सामने इतने मुंह पे जूते मारू ना इतने जूते मारू ना कि तुम जितने सह ना सको मेरी ये दिली ख्वाहिश और तमन्ना है कि एक बार मैं उधर जाऊं और मैं इसको इतनी ज्यादा सुनाऊ ना कि ये जो है ना वो बिल्कुल बेहोश हो जाए सुनते सुनते कुत्ती औरत तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं था वो नदीम भाई तो चलो बोल नहीं सकता था बेचारा और जो तुमने बोलने वाला तोता चुना है मुझे बताओ ये कहाँ से इंसान लगता है बात करते करते तो उसकी कितनी बार जुबान लड़खड़ाती है ये सीधा लफ्स अदा नहीं कर सकता अंग्रेज़ की औलाद ये बनता है और बिल्कुल भी कोई भी ऐसा लफ्ज़ है जो ये सही तरह से अदा कर सके इस पे खुदा की लनत पढ़ रही है और तुम पे भी लानत पढ़ रही है और पड़ती रहेगी फिर यहाँ पे मैं उसकी माँ के लिए भी कहना चाहूँगी साबरा की माँ के लिए भी कि अपनी बेटी की तरबियत ऐसी तुमने की थी तुम जब इसकी शादी कर रही थी नदीम भाई के साथ तो एक बार तुम इस बेगैरत से पूछ तो लेती कि हम तुम्हारा फातिहा और कुल पढ़ने वाले हैं तो क्या तुम इसके लिए राज़ी हो और जब अगर ये ज़ुबान से बोलती कि हाँ मैं राजी हूँ तब इसका तुम उधर जनाजा पढ़ाते आप लोगों ने भी बिना शायद पूछे इसका जनाजा पढ़ा दिया और फिर जब इसका जनाजा पढ़ गया था इसकी कब्र तैयार हो गई थी तो इसको क्या पड़ी थी अपनी कब्र चेंज करने की उसी कब्र में ये पड़ी रहती ना और तुम कितने सब्र रखती तुम्हारे जो है ना कि वो ठीक है बोल नहीं सकते थे ये बोल सकता है लेकिन मर्द वो भी था मर्द ये भी है उसके साथ तुमने तुम्हारे जो है ना उससे तीन बच्चे पैदा हो गए थे और ये ये क्या कर रहा है तुम्हारे साथ ये तुम्हारे चैनल के लिए तुम्हें उल्लू बना के रखा हुआ है और जैसे ये तुम्हारी बातें तुमसे करता है ना तुम्हारी बेटी समाव्या लाजमी देखती होगी क्या तुम्हें एक लमहे के लिए भी ख्याल नहीं आता कि मेरी बच्चे इसके साथ मुझे ऐसी बातें करते हुए देखेंगे और वो क्या बोलेंगे कल जैसे पंखा ये साफ़ कर रही थी पीछे से सांड आ गया और पांच मन का और मैं तो कहती है बारह मन का वो जो बैल है वो आ क्या और कहता है कि तुम ये क्यों पंखा साफ कर रही हो हालांकि हालांकि हदायतकार वही होता है कमीना उसी ने इसको बोला होगा कि अभी मैं ये वीडियो शूट करूंगा तुमने ऐसा करना है मैंने पीछे से वैसा बोला है इतना कमीना है ना कि लोग वहीं पे इसको कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि आप लोग ना बिल्कुल नोटक्की हो और ड्रामे तभी ये कहता है कि तुम्हारे जैसा बगैर हमने नहीं देखा बगैर तो तुम हो जैसे तुमने है कि एक लम्हे के लिए तुम सोचो अपने जगह नदीम भाई को रख के सोचो अगर तुम्हारी बीवी नदीम भाई के साथ यही साबरा चली जाती तुम्हारी मां और बहनें क्या रिएक्ट करती वो झोली उठा उठा के पहला पहला के झोली उसको बद दुआएँ देती अब जब नदीम भाई की माँ और बहनें बद दुआएँ देती हैं या वीडियो बद दुआएँ तो नहीं सुनी लेकिन जब वो वीडियो बनाती है ना तो तुम्हारे पिछड़े में क्यों आग लगती है तुम वो बर्दाश्त करो वो बातें बर्दाश्त करो जो तुमने किया है अल्लाह करेगा तुम बच्चों की उस बच्चों की आँख तुमको लगेगी उन बच्चों के एक एक आंसू का हिसाब तुम इसी दुनिया में लेके जाओगे और किस मुँह से तुम बच्चों की बात करते हो जब यह भाग रही थी तुमने प्लान बनाया था तब तुम इसको बोलते कि बच्चे भी ले आओ साथ तब बच्चे तो कोई नहीं थे तुम्हारे प्लान का हिस्सा तब तो तुमको अपनी आँख ठंडी करने की पड़ी थी बच्चों का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं था और अब ये एनीवर्सरियाँ मना रही है उस गुनाह की जो इसने माँ बाप के मुंह पे गोबर मला है अपनी जो है ना वो कलक मल के अपने मुंह पे आई है अपनी सास और ससुर को जो मामू और थे पोपो उनकी इज़्ज़त को मट्टी में मिला के आई है और वो एनीवर्सरियाँ भी मना रही है और लख लन तुम्हारी शक्ल पे टेढ़े मुंह वाली और जब ये होटल में खाना खाती हो तब तुम्हें बच्चों का ख्याल नहीं आता है तब तो तुम भैंस की तरह वो कहती है पंजाबी में भैंस और गाय गवली करती हैं और उर्दू में इसको कहते हैं जगाली जब ये टेढ़े दांत निकाल कर ऐसी जगाली कर रही होती है ना तो ये नहीं सोचती होगी अल्लाह जाने मेरे बच्चों ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा मेरे बच्चे भूखे रहे तो भूखे रहे मेरे तो पेट में न वाला जा रहा है और जब भी इनकम मिलती है ये उस सांड को लेके बाजार में चली जाती है वहाँ पे कुछ अपने लिए होता है शॉपिंग कुछ उसका बैंक बैलेंस बच्चे कहाँ कौन से बच्चे वो तो बस गलती से पैदा हो गए और आ गई इस अपने सांड के पास इधर अयाशी करने के लिए इधर घूमने फिरने के लिए इतनी बे औरत मैंने पूरी दुनिया में शाहरा देखी हो जितनी ये कमीनी और बेगैरत है और ये मुकाबला करती है उस सोनिया के साथ वो तो इज्जत के साथ माँ बाप की दुआओं के साथ की है और तुम लोग उन्होंने बोला था कल हम जाएंगे शॉपिंग करने और आज ये शॉपिंग करने पहले पहुँच की है अल्लाह करे जैसा तुम्हारा नंबर है तुम्हारा ही नंबर रहे और किसी का नहीं रहे अब जाती हूँ इजाज़त मुझे दीजिए इजाज़त हाफिज़